वैसे तो कुणाल, आर्ट का कभी एक डेफिनेशन रहा नहीं है, आपके हिसाब से क्या डेफिनेशन है आर्ट का? जी आर्ट, यू नो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन आर्ट, बट आई थिंक आर्ट जो आपको छू ले, दैट इज आर्ट. एनीथिंग दैट सॉर्ट ऑफ टचेज यू, सॉर्ट ऑफ क्रिएट्स एन इमोशन इनसाइड यू, इंस्पायर्स यू, दैट्स आर्ट. अगर अंदर के एग्जीबिशन की बात करें तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का एग्जीबिशन हो रहा है, तो बेसिकली आप अपने आप को कौन से जानवर में गिनते हैं? कौन से जानवर में? शेर. शेर, और वो क्यों? उसका एक रीज़न भी तो होगा. जी मुझे ऐसा बोला गया है कि मैं कभी कभार, क्योंकि अपने लंबे बालों और दाढ़ी की वजह से कभी कभार शेर जैसा दिखता हूँ, और मेरी दहाड़ भी काफ़ी ऊँची और ज़ोरदार है, तो शेर. एक दहाड़ बनती है. नहीं नहीं यार, अभी क्यों एम्बैरेस कर रहे हो यार, अच्छे खासे कपड़े पहन के आया हूँ. खास इसीलिए है क्योंकि संजय गुप्ता ने मुझे कॉल किया, और संजय एफ गुप्ता के काम का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. तो आई थिंक बोथ द संजयस एंड बोथ द गुप्तास आर डूइंग समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग विद आर्ट. आर्ट हमेशा हम सब के लिए, क्योंकि हम आर्टिस्ट हैं, इंटरेस्टिंग ही रहता है. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग द सिलेक्शन ऑफ आर्ट एंड संजय एफ गुप्ताज फोटोग्राफ्स. नहीं, मुझे गिफ्ट मिलना चाहिए फिर मतलब बात बनती है. आई विल डेफिनेटली कीप इट इन माई हाउस, क्योंकि मुझे मतलब वाइल्ड लाइफ का शौक है, एनिमल्स का शौक है. तो अगर मुझे गिफ्ट दिया जाता है तो आई विल कीप इट. मैं किसी को गिफ्ट देने की सोचूंगा नहीं, अभी अपने लिए रखूँगा. इसलिए खास है कि फर्स्ट टाइम मैं एक आर्ट एग्जीबिशन होस्ट कर रहा हूँ. आर्ट का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, कलेक्ट करता हूँ काफ़ी सालों से, और ये एक मौका मिला. बहुत सम फैबुलस आर्टिस्ट इन देयर जिनका वर्क डिस्प्ले किया गया, सो एंड ऑल्सो टू प्रेजेंट इट टू आर फ्रटर्निटी. अक्सर आर्ट को लेके थोड़ा लोग फील करते हैं कि ज़्यादा हाई सोसाइटी है, हाई फंडा है या कुछ ऐसा. We want to break that taboo. Art is for everybody. It need not be in crores and lakhs. It can be affordable, and it's a wonderful thing.